कि आज आपने देखा कि शहजाद अकबर साहब ने इस्तीफा दे दिया है, तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? इससे पहले कि इस बात पे आऊं कि वजीर आजम कह रहे हैं कि मैं बहुत खतरनाक हो जाऊंगा अगर मैं बाहर निकलूंगा, ये इस्तीफा जो है इसको आप किस पैराए में देखते हैं? वजीर आजम साहब खतरनाक साबित हुए हैं शहजाद अकबर साहब के लिए। ये जो शीन शीन निकाल रहे थे, शीन निकल ही गया। अच्छा, शहजाद अकबर का शीन आप कह रहे हैं, शीन निकल। मैं देखिए, ये मैं पहले दिन से ही पूछ रहा हूं कि ये आदमी करता क्या है। तो इसलिए आपने इसको रखा हुआ है अकाउंटेबिलिटी का मुशीर, जहां कोई 20 के करीब मुशीर और ऐसे पीएम है, तो अकाउंटेबिलिटी तो नैब है, नैब एक इंडिपेंडेंट अदारा है। ये आदमी करता क्या है? ये यहीं से सारी बात जो है वो जाहिर होती है कि ये नैब जो था ये इंडिपेंडेंट नहीं था, ये इसको पीएम ऑफिसर चलाते थे और ये साहब उसको चलाने वाले थे। तो अब 4 साल बाद इनको पता चला है कि कोई करप्शन तो हुई नहीं है, तो जो झूठे केस उन्होंने बनाए थे उनसे कुछ निकला नहीं है। तो अब इसको फारिग करके तो प्राइम मिनिस्टर साहब क्लेम अगर अभी तक नहीं किया तो कर लेंगे क्लेम कि देखें ये आदमी नालायक है, मैंने इसको निकाल दिया। उन्होंने कहा है कि वो डिलीवर अभी जो हाँ, मीडिया रिपोर्ट्स तो डिलीवर नहीं कर सके, तो अब उनको और नौकरी दे देंगे। अच्छा, आपको लगता है कि कोई और क्या नौकरी मिल सकती है? कोई नया चेयरमैन लगा देंगे? मुझे नहीं पता, शायद बिजली का महकमा दे देंगे, तुम बिजली का महकमा चला लो। यहाँ तो जो वजीर निकाला जाता है उसको बेहतर महकमा दे देते। तो हम ये समझे कि पीटीआई का जो बयानिया था एहतसाब का वो नाकाम हुआ है, या उन केसों में जान नहीं थी या जान मौजूद थी मगर ये